हे गाइस, लेट्स कट इट, गैदर हो जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और अब कोई एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले शांत रहना, मैं यहाँ गॉसिप स्मेल कर सकता हूँ, तो मुझे सबको एक न्यूज देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं, दिस इज ऑल फॉल्स न्यूज, ये सारी बनाई गई न्यूज है, तो प्लीज यकीन मत करो। ये सच में झूठी खबर है, है ना? मैं तुमसे बात नहीं करता। मैगजीन और मीडिया में कैसी न्यूज आती है आप सब जानते हैं। हाँ सही कहा, हम काम से बाहर गए थे, हम प्रिंटिंग हाउस गए थे। और फिर मैंने उससे कहा कि सनम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्या कहती हो तुम? है ना, यही कहा ना मैंने? तो क्या आप उसे सच में छोड़ने गए थे मिस्टर जॉन? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं जा पाया जेजे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि सनम एक्चुअली ये चाहती नहीं थी। हाँ मैं नहीं चाहती थी, पर ये सब बकवास है, सब गलत समझ। हाँ, सनम ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, और आप भी जानते कि गुड बाय करते वक्त हम जब गले मिलते तो ऐसे क्लोज आते हैं, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तो बस किसी ने हमारा फोटो ले लिया और फिर वो वायरल कर दिया और वो न्यूज में आ गया। यानी सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और किसी ने न्यूज बनाने के लिए अब वो पब्लिश भी कर दिया है, ये बहुत गलत बात है सच में। मतलब मेरे दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ, मिस्टर जॉन और सनम के बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मिस्टर जॉन? ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। अगर हमारे बीच कुछ होता तो हम बता देते, छिपा कर रखने वाली बात थोड़ी ना है। हम बस हाथ में हाथ डालकर रोज ऑफिस आते हैं और आप सबको लगता है कि हम प्यार में, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हाँ, अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हम सब दोस्त हैं। सुपर, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और उसके अलावा ये आप ग्रोन अप्स हैं, फिर ये मना क्यों करेंगे? इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? और मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे रूमर्स फैले जबरदस्ती के। सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, अब सब अपना अपना काम करो और अब से यहाँ सिर्फ काम होगा। सनम अब नई स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, तो मैंने सुना कि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि यू नो, मैं सनम से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे मैंने ये पोजीशन पर रखा है। ये तुम सब के लिए है, तुम जैसे मैनरलेस लोगों के लिए। तुम ही घंटों घंटों तक बक 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 करते ही रहे, तुम अपना काम क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूँ? काम करो, चुगली बंद करो अपना। हाँ मिस्टर जॉन, एक मिनट बोलिए ना। सनम यहाँ तक अपनी काबिलियत, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पहुँची है, और इसके अलावा ये उसकी फर्स्ट सक्सेस नहीं है, और ये बात हम सब जानते हैं। Am I right? बिल्कुल सही कहा, अगर तुम गिनने जाओगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी, शायद ना भी आए, पता नहीं क्या हो भावनाओं में। हाँ, और अगर कोई ये साबित कर सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसका वेट करूंगा। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ सकता हूँ, समझे? अब तुम लोग जाओ फटाफट, चलो काम करो, सब अपने काम पर फोकस करो, ठीक है? अब कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी क्योंकि ये माहौल खराब करता है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। मिस्टर जॉन, आप चाय लेंगे? हाँ मैं चाय लूंगा। जेजे, मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लेकर आना। थैंक्स, मैं अपने कैबिन में। ऐसा क्यों करता हूँ? तो समझ गए तुम लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग लवर्स नहीं है, अगर होते तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी होती, है ना? भाई, हाँ, तुमने बाहर अभी उनसे क्या कहा? मैं और क्या कह सकता हूँ, अब से सब ऐसे ही होगा जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, जब तक मिसेस मैकगिबे को बेटर फील नहीं होता। पता है मुझे ना ये सब करना पसंद नहीं है, मुझे ये सब सनम के लिए करना ही होगा, ये सब उसके लिए उतना आसान नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए इसे सीक्रेट ही रखना होगा। I understand. You understood. पर भूलो मत कि तुम्हारी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। Right. अभी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। Good. संभल कर रहना। लड़कियों के लिए ज़्यादा परेशानी क्रिएट मत करना। तुम थोड़ा और क्रिएटिव कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। मॉम। जे जे। क्या चल रहा है? कोई सीक्रेट? तुम मुझे सीक्रेट बता रही हो, अब क्या होगा? मुझे एक डिसेंट लाइफ चाहिए, एक सिंपल जिंदगी और चार छोटे छोटे बच्चे। तुमने देखा, मेरी मॉम यहाँ आई है। तुम्हारी मॉम पर क्यों? वो यहाँ क्यों आई है? मुझे नहीं पता, उन्होंने जरूर वो न्यूज देखी होगी, अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े करेंगी, गला काट देगी। तुम नीचे, तो अब हम क्या करेंगे? जे जे, बोलो। तुम उनसे बात करने की कोशिश। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं यहाँ से रेंगते रेंगते ठीक है, मैं भी यही करने वाला हूँ सनम। ठीक है, ओके। मॉम आ गई है। मुझे छुपाइए।
मिसेस मेवकी में वेलकम। आइए, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे मिस्टर जॉन से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती। मुझे हर हाल में मिलना है। तो बताइए, आप यहाँ किस वजह से आई हैं? क्या उन्हें पता है? जाओ, आप उस साइड जाकर छुप जाओ, उन्हें दिखना नहीं चाहिए। जो न्यूज़पेपर में हमारी फोटोज आई है, वो उन्हें पता है या नहीं पता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो जानती है। वो एक मेटाडोर है जिसने एक बैल को ढूंढ लिया है। पर ये शब्द बैल, मेटाडोर, ये सब काफी डेंजरस वर्ड्स है। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। नहीं जान, आप शांत रहिए, मेरे जैसे शांत रहिए। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्यों, उनकी क्या गलती है? नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे लिए। उन्हें कैसे भी करके हमें कन्विंस करना होगा कि हमारे बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप मुझ पर थोड़ा सा हार्श रहिए सबके सामने। हाँ, आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हार्श रहिए। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता। जान, आपको ये करना होगा, आपको मुझे वैसे ट्रीट करना होगा, हमारे प्यार के नाम पर ट्रीट नहीं बहनी। ना मैंने ऐसा प्यार कभी देखा है और ना ही सुना है। तुम क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो? मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मिस्टर जान, मैं जा रही हूँ। ब्राइट आइडिया, आप मुझे जॉब से निकाल दो। और हाँ, ये फाइल जो है ना, वो आप मेरे मुंह पर फेंक कर माना, और अगर कुछ मिले तो वो सनम, मैं ऐसा okay? नहीं कर सकता, प्लीज मेरी बात समझो। क्या यार, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, रिहर्सल करते हैं, यहाँ ठीक है, चलते चलते आओ मेरे पास। पर मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगा, मैं बस नाटक करूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया। ये बकवास है सनम। नहीं, और थोड़ी ऊंची आवाज कीजिए। मैं ये सीन को एग्जैजरेट करूं? हाँ, थोड़ा एग्जैजरेट। सनम, ये सब क्या है? ये फाइल्स किसके लिए? कौन सी फाइल्स है? क्या कर दिया तुमने? ये क्या बोलूं इससे ज्यादा मैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, रुको। सनम, ये कैसी फाइल है? हाँ, तुम इसे काम कहती हो? ये क्या बकवास है? एक काम करो, इसे ले जाओ और कुछ और प्रिपेयर करके आओ। और से देखिए वो उसे कितना हार्शली ट्रीट कर रहे हैं। ये कितना बेकार, मतलब तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मैंने ऐसी गंदी फाइल कभी नहीं देखी। ले जाओ इसे, जाओ दूसरा कुछ बना कर लाओ, मैं वापस देखूंगा थोड़ी देर में। चलो जाओ, ले जाओ इसे। ठीक है, मैं वापस बनाकर प्रिंट करती हूं। आई एम श्योर तुमने चाय भी गंदी बनाई होगी। पर ये अच्छा नहीं है। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? ठीक है, मैं अभी जाकर नई फाइल बनाती हूँ। मॉम, 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 आप यहाँ क्या करिए? सब ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो काम कर रही थी, पर उन्होंने मुझे केबिन से निकाल दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पर बॉस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। सच में? वैसे आप यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? क्या हुआ, मेरे आने से परेशान हो? यहाँ कोई सीक्रेट एक्टिविटी चल रही है? हाँ? नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे तो मेरे काम की टेंशन है, अभी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ मैं। मॉम, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम भी सुनो, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ। अच्छा, ये बात है। उसका ख्याल तो लैला रख रही है, वो लाकर आपको दिखा देगी। फिर मैं आकर थोड़ा और आपको दिखा दूंगी। मुझे जल्द से जल्द ये काम फिनिश करना है, मुझे मिस्टर जान को ये सारे फाइल्स दिखाने हैं। ओके, मैं चलती हूं। सनम, सनम इधर आओ, मुझे जल्दी बताओ कि क्या चल रहा है, ये सब क्या है? हाँ, बताओ जल्दी। सनम, फाइल अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हाँ, कितना टाइम लगने वाला है? और ओ हेलो मिस मैकबे, आप यहाँ? मिस्टर जान, हाँ, ये बहुत बुरा है सच में। मशहूर बैचलर की नई गर्लफ्रेंड बन गई है, ये कितनी फेक न्यूज है। अब प्लीज मेरे केबिन में चलते हैं, और आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हे, तुम अपनी मॉम को कंपनी देना चाहोगी? चलो ना, अपनी मॉम के साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। मुझे उनका हाथ पकड़ने दो। मॉम आइए ना, चलिए। हाँ मिसेस मेवकिबे, हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है, है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम, क्या तुम मुझे बात करने दोगी? प्लीज, तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो, तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आराम से। हमें मिसेस मेवकिबे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है, है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस मेवकिबे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या कहा? मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है, आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर, देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस मेवकिबे। हाँ, फिर क्या?
तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ तो दो गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ दो, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए अब तीन हो गई है। मॉम आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए, मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर जॉन, मिसेस मैफ की भी मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है, हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं और कुछ लेना देना नहीं हमारा, सच में। हाँ, हाँ, सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ बहुत सारा बिजनेस फाइल्स कैंपेन कंपास कितना सारा काम। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी, मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है, वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी, मैंने ये फाइल्स ऐसे पकड़ी थी, तुम्हें सब पता है। मैं उन्हें पकड़ कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी और फिर मैंने इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है, आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ बचपन से ऐसी है। हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल नहीं रहती। वो गिर गई थी और मैंने उसे पकड़ लिया और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ मैं गिर गई थी जमीन पर मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं, उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं और मुझे तो हमेशा ही बचाते हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की, मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच में मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देवी अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा वो लड़कियाँ कौन थी जान देवी, मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस मैफ की भाई, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है, वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं, वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान, मिस्टर जान, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो, मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूं, पर अब ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा, आई मीन घर पर। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हा? नहीं नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम समझते हैं। बाय मिस्टर जॉन। हाँ मैं समझ गया, गुड बाय। तुम ऐसे काम स्किप नहीं कर सकते डेविड। डेविड दिखाओ तुमने क्या किया। हाँ मिस्टर जान, ये रहे वो टेक्स्ट जो आपको चाहिए। सनम इंटरप्ट मत करो, दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। I'm so sorry, so sorry। सनम तुम जरा शांत रहो, हर बार ऐसे बीच बीच में मत आओ, अब हम स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। ओके, वेट करती हूँ, वेट करती हूँ। जरूर। तो हमें इटैलिक फॉन्ट यूज करना चाहिए, हैरिंगटन इटैलिक। मैंने कस्टमर्स से कलर कोड पूछे हैं, यहाँ पर एक गलती है तो इसे ठीक करना है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने पॉइंट्स और कॉमास की जगह बदल दी, मैंने इसमें कुछ कमांड्स डाल दिए हैं, मेरे कमांड्स, ये सेम नहीं है बिल्कुल। ओके सनम बताओ तुम क्या कह रही थी, लाओ मुझे दे दो। वाओ 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 वाओ। डेरन ये लो और इसे अपने पैनल पर टांग दो ताकि इसे सब देख पाए। हम इसे भी टांग सकते हैं ना मिस्टर जान, ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान,
अब मुझे खुशी के मारे शर्म आ रही है। थैंक यू। शर्माने की कोई बात नहीं है, ये वाकई एक एग्जाम्पल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखने चाहिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दैट बैड? बहुत बुरा है। ऐसा क्या लिखा है तुमने? दिखाओ तो जरा, मुझे भी पढ़ने दो। पर मिस्टर जॉन, ये इतना बुरा भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ डेरन, इस तरह से हमारे इंटर्न्स भी नहीं लगते हैं। सच में? अगली बार से ऐसे आर्टिकल्स मुझ तक आने से पहले तुम एक बार पढ़ लिया करो। फॉर गॉड्स सेक, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ आप सही कह रहे हैं मिस्टर जॉन, अभी ये नहीं है तो ये वक्त के साथ सीख जाएगी। मैं इसे पढ़ा दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है। डोंट बी डीमोरलाइज्ड। ओके, मैं कप चाय पी लेती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। कॉन्सेंट्रेट करो, अपना पेंसिल इरेजर और पेपर लो, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अरे बाप रे, ये सब क्या था? ये चेहरा, ये एटीट्यूड, क्या हम फिर से बैड टर्म्स पर हैं? वैसे अभी कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, सच में बहुत ज्यादा हो गया। तुमने ही तो कहा कि लोगों के सामने हार्श बर्ताव करना। इसमें बस एक चीज रह गई, आप फायर कर देते मुझे। आपको मजे आते हैं ना ऐसा करने? वही कर रहा हूँ जो मुझसे कहा गया था। ये गेम तुमने स्टार्ट किया, तुमने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती और मुझसे नाराज हो रही हो, ये क्या बात हुई? हाँ हाँ आप सही है, पर मेरी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। सच बताऊँ तो वो काफी परफेक्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या? तो कुछ नहीं, फिर से लिख लो, यही रूल है, फिर से लिखना होगा। आप हंस रहे हैं? मैं? नहीं तो। नहीं, आप हंस रहे हैं? आप सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं कहा? क्या तुम्हें क्या लगता है यार? जान, जान, आप ना 3 साल के बच्चे की तरह रहते हो। आप एक कप चाय भी नहीं पकड़ सकते, आप ये चाय गिरा देते हो और इसके बाद ये मुझे साफ करना पड़ता है। आपको पता है ये दाग निकालना कितना मुश्किल है? खैर आपको नहीं पता। मेरी आंखों की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी, थैंक्स। ओके मिस्टर जॉन, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ आप यहाँ पर बॉस है, पर मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर हर जगह ग्लास है ऑफिस में, पर आप अपना डोर प्लीज हैंडल को पकड़ कर खोलिए। आप ऐसे हैंडल पकड़ के उसे खींच नहीं सकते क्या? आप ऑक्टोपस की तरह उस कांच से चिपक जाते हो और फिर वो शीशा मुझे साफ करना पड़ता है। सनम सब कुछ कर सकती है, सनम सब कुछ कर सकती है, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। मुझे थकान हो जाती है। मैं आता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे थकान हो रही है। सनम तुम ये क्या कर रही हो? तुम शांत नहीं रह सकती, शांत हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम परफ्यूम लगाने के बजाय पीने लगी हो क्या? तुमने हमारे बॉस को आज सब एम्प्लॉयज के सामने डांटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो चुका है जेजी, और अब से सारे क्रू मेंबर अपनी अपनी चाय खोद लेंगे, मैं किसी को सर नहीं करूंगी, समझे सब लोग? हाँ मैं समझ रहा हूँ, चलो काम करते हैं, पिक्चर खत्म हो गई, चलो। सनम बाकी सब कहाँ हैं? सनम कहाँ? सनम तो आर्काइव रूम में काम कर रही है। वाह क्या बात है, अब वो फिर से एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखेगी। बहुत देर हो गई यार, बहुत देर, अजीब बात है, यू नो अनबिलीवेबल, वो आर्काइव रूम में है क्या? हाँ वही है। क्या? You're right. मैं कह रही हूँ अब जल्द वो सनम को नौकरी से निकाल देंगे, तुम देखना। चुप, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। फिर तुम सबको पार्टी देना, ठीक है? तुम इस ऑफिस को रियो कार्निवल बना देना, और फिर वही कॉस्ट्यूम पहनना जो तुम कमर्शियल के लिए पहनती हो, और यहाँ पर डांस करना। इसका क्या नाता है जे जे? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, तुम नहीं देख रहे? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, अब तक तो उसका परफ्यूम भी हवा में है। ये परफ्यूम काफी अलग है, ये तुम्हारे नाक में चुभता है। इसकी खुशबू थोड़ी दालचीनी जैसी है, मुझे लगता है ये एफ्रोडीजियक हो सकता है, उसका असर कुछ ऐसा ही है। मैं उसे पूछता हूँ, शायद मैं उसे कभी यूज कर पाऊँ। हाँ हाँ अब तुम इस हवा को सूंघो और यहाँ से जाओ। ठीक है दोस्तों, गॉसिपिंग जरा बंद करो। मैं गॉसिपिंग करती हूँ क्या? ये कोई सिविल कोड है क्या? ये बस एक कमर्शियल टेक्स्ट है, तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मिस्टर जॉन मैंने इसे फिनिश कर लिया है, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। छोड़ो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। हाँ मैं भी। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ मुझे। आपके पीछे है कैमरा। अब आप वहाँ मत देखिए, वहाँ मत देखिए। आपने ही लगवाया है कैमरा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा? तो फिर अब हम कहाँ जाएं? वो
वो कॉर्नर काफी सेफ है, वहां तक कैमरा नहीं देख पाता, तुम उधर चली जाओ। वो एक लवर्स कॉर्नर जैसा लग रहा है ना। तुम उधर जाओ, धीरे धीरे आराम से जाओ, ठीक है? क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है? मुझे कैसे पता, तुम उधर जाओ ना अभी। हम एलिवेटर में कितने कंफर्टेबल थे, ये जगह वाकई अनकंफर्टेबल है बहुत। चलो तुम वहाँ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कोई गेम लग रहा है मुझे। 3, 2, 1 गेम। मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, आप जिस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो शायद यहाँ कॉर्नर में है। कौन सी, दिखाओ मुझे। हाँ वो यही होगी, देखता हूँ एक मिनट। कौन सी, ये वाली क्या? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ हाँ एक मिनट, मैं बस आ ही रहा हूँ। अरे एक मिनट, आ रहा हूँ। ये वाली? आ रहा हूँ, रुको। हाँ मुझे लगता है ये वाली फाइल है, ये वाली। ये वाली? हाँ। क्या वो हमें देख सकते हैं? वो देख रहा है। अब नहीं देख पाएगा। हाँ। है ना? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता अब वो देख पाएगा। मैंने फाइल पे ऐसा रख दिया, अब कोई नहीं देख पाएगा। फोन। अरे यार इस वक्त कौन है? फोन को स्पीकर पर रखना बेहतर है। हेलो जॉन। हे व्हाट्स अप जयदा। फाइन, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, डेली रूटीन शुरू है बस। यू टेल मी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मैक्स ने हमें आज रात को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ उन्होंने खुद फोन किया था, उन्होंने कहा है कि तुमसे बात करनी है मुझे। सुपर, बहुत अच्छी बात है। नहीं इस बार आपको आना ही होगा वरना आपकी इंसल्ट हो सकती है। नहीं नहीं मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। ठीक है। ओके ओके सी यू। लॉट्स ऑफ किसेस। उसने आपको किस किया, इतने सारे किसेस? हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ मैं तुम्हें किस कर रहा था। हाँ नहीं, मिस जैदा ने आपको किसेस दी और यहाँ तक कि वो किसेस मुझे भी फील हुई। वैसे कहाँ है डिनर, कौन सा डिनर? उसने मैकिनन के साथ डिनर अरेंज किया। डिनर अरेंज किया है? सनम, मैकिनन एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। अगर वो वैल्यूएबल है तो वो आपको खुद क्यों नहीं कॉल करता, ये क्यों करती है? सनम यार हम थोड़ी देर के लिए एक साथ है, क्या हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने वाले हैं? हाँ आप सही कह रहे हो, अब कल भी हमें ऐसे 3 ही मिनट मिलेंगे है ना? आई थिंक सो। जॉन, जॉन, क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है? कुछ गिर क्यों रहा है? ये तुमने ऐसे चिल्लाना इस वजह से हुआ, समझ गई ना तुम? देखो। पर मैं क्या कर सकती हूँ जॉन, मुझे भूकंप से बहुत डर लगता है, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं अभी जो कहूँगी वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे साथ और क्लोज नहीं रहना है सनम, तो मैं बात पर आती हूँ। जॉन, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि अगले 24 घंटे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी और वो जो कंपनी है बिटॉन, उसकी कैंपेन का काम इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम सब मेरे घर पर काम करेंगे, हम वहाँ मिलेंगे, सबको बता दो जो है प्रोजेक्ट के बारे में, तुम मेरे साथ आओ, हम ऑफिस का सारा काम मेरे घर पे ही कर सकते हैं। ओके तो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ वो सॉल्व हो गई है। मिस्टर जॉन क्या ये वही फाइल है जो आप ढूंढ रहे थे? नहीं सनम, ये वो फाइल नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। आजकल तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मुझे गुस्सा आ रहा है। Enough for me too. I will resign. हर कोई मुझ पर चिल्लाया जा रहा है, अब मैं सच में रिजाइन कर दूंगी, अब बस बहुत हुआ। जैसा तुम चाहो सनम, डोंट वरी अबाउट मी, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ सहा है। ये कैमरा पूरा दिन हमें देखता रहता है, यहाँ एक वर्कर के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। इसे भेज दिया तो इसे 3,000 आएंगे। जे जे, आज सब खुश है क्योंकि कल उन्हें ऑफिस नहीं आना है, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बता सकते हो, बताओ क्या हुआ है? मैंने एक गांव के रिश्तेदार से बात की। तुम्हारा गांव? कहाँ है वो, मुझे बताओ ना जे जे कहाँ है। ठीक है बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है, क्या हुआ है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मेरी दादी जम के गिर गई और उनका पैर टूट गया है, उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है। अरे नहीं, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, एक डॉक्टर है वो ऑपरेट कर सकता है पर कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए यहाँ वहाँ से ऐसे इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर कितना खर्चा होगा? 15,000, पर मुझे अर्जेंटली चाहिए। आओ मेरे साथ। कहाँ, क्या चल रहा है? चलो 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 सनम, हम कहाँ जा रहे हैं?
मिस्टर जान, क्या हुआ सनम? जे जे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हम तो ये देखने आए थे आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जे जे को पैसे की जरूरत है मिस्टर जान। सच में? ठीक है, ओके, अकाउंटेंट से बात कर लो, जो भी होगा वो तुम्हें दे देगा। मिस्टर जान, मैं सिर्फ अकाउंटेंट से अपनी सैलरी लेता हूँ और कुछ नहीं, मेरा ईमान मेरे लिए बहुत बड़ा।